चार तारीख को तहसीलदार ने एक नोटिस जारी किया है जो मुझे आज 5 तारीख को मिला है, और नोटिस में कहा गया है कि किसी ज़मीन पर हमारे द्वारा अतिक्रमण किया गया है, ना तो ज़मीन का सीमांकन हुआ है, हमारी पैतृक भूमि है, ना ज़मीन का सीमांकन हुआ, बिना सीमांकन के ये कैसे तय हो गया कि हमने अतिक्रमण किया है। प्रक्रिया ये है कि पहले सीमांकन होता है, और अगर सीमांकन में हमारा कब्जा होता है तो फिर कब्जा हटाने का नोटिस होता है। तो ये 2 दिन में सारी कार्रवाई अचानक हुई है, और ये क्यों हुई है ये सब लोग जानते हैं, और जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं के द्वारा मुझ पर आरोप लगाए गए, और आरोप लगने के बाद फिर ये कार्रवाई हुई है, इसमें आगे जो भी नियमानुसार कार्रवाई है या जो आगे की प्रक्रिया है उसके अनुसार हम आगे बढ़ेंगे।